जुम्मे की नमाज के दौरान भड़की हिंसा के बाद से यूपी पुलिस और आला अधिकारी भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन में है। इसी तर्ज पर गाजियाबाद के एसडीएम विनय कुमार ने महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी को नोटिस जारी किया है। खास बात यह है कि नरसिम्हानंद गिरी पर पैगंबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के संबंध में नोटिस जारी की गई है। एसडीएम विनय कुमार ने यति नरसिम्हानंद को नोटिस जारी करते कहा है कि इस प्रकार की टिप्पणी की वजह से क्षेत्र में तनाव उत्पन्न होने और शांति भंग होने का खतरा है। वहीं इस मामले में यति नरसिम्हानंद का कहना है कि इस नोटिस के बाद वह 13 जून को स्वयं एसडीएम की अदालत में कुरान और इस्लाम की किताबों को लेकर उपस्थित होंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि नुपुर शर्मा ने एक भी बात गलत नहीं बोली। अगर सच बोलने पर फांसी दी जाएगी तो वह स्वीकार करेंगे। फिलहाल भड़काऊ भाषण और विवादित पोस्ट करने वालों पर पुलिस फुल टू एक्शन मोड में है। यूपी पुलिस चुन चुन कर ऐसे नेताओं व धर्मगुरुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।